नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुणा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, दर्द के अनेकों रूप होते हैं और अनेकों नाम भी होते हैं। उन्हीं में से एक नाम है जो कि बेहद खतरनाक और दर्दनाक है, वो है आर्थराइटिस का दर्द। ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए बना है जो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको दर्द से राहत मिले। और इसमें हमारे साथ जुड़े हैं देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजी, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दोस्तों, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आर्थराइटिस और उससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है, अगर आप उससे पीड़ित हैं और आप दर्द से राहत चाहते हैं, तो तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, जेन आर्थ्रो एंड सूजीज, इसमें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस रिवर्स होता है? करुणा जी, अगर हम आर्थराइटिस की बात करें तो हम हमेशा ये कहते हैं कि एक डिजनरेटिव कंडीशन है, प्रोग्रेसिव कंडीशन है, अंदर डैमेज होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, जॉइंट पर लोड ज़्यादा पड़ता है। तो जब हमने आर्थराइट प्लस को लॉन्च किया तो उससे हम काफ़ी मदद कर पा रहे थे, लेकिन कुछ समय लगता था पेन रिलीफ के अंदर, यानी कि हफ्ता दिन, 10 दिन 12 दिन एवरेज अगर देखेंगे तो इतना ही लगता था। लेकिन पेशेंट्स कहते हैं कि क्या हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फटाफट कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं? तो उसी के चलते मेरी एक डेवलपमेंट थी कुछ समय पहले और हमने उसको फटाफट लॉन्च किया, जिसको हम सूजीज कहते हैं। और आई थिंक सो ये करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाला है, ये मेरा बहुत ही कंजर्वेटिव अंदाज़ा है, क्योंकि आप जब उसको स्प्रे करते हैं तो 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी पेन गायब हो जाती है मैक्सिमम केसेस के अंदर। बहुत से ज़्यादा सीरियस केसेस के अंदर हमने देखा है कि 50% भी इम्प्रूवमेंट मिल जाती है विद इन 30 सेकेंड्स, विच इज़ फैंटास्टिक। एक इंसान खड़ा हो जाता है, चलना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर हम उनको कहते हैं हमने बाहर से आपको रिलीफ दे दिया, रिपेयर करी, अब अंदर से हमें रिपेयर करने का मौका दीजिए। जितनी ज़्यादा डीजनरेटेड कंडीशन होगी, जैसे कि जो TKR टोटली रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स, और बहुत से मेरे पास आते हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कम से कम साल, 1.5 साल आप आर्थराइट प्लस को लें और कम से कम जेन आर्थ्रो 6 महीने तक लें। अब जहाँ तक जेन आर्थ्रो का सवाल है, इसको भी समझते हैं। अगर आपकी आर्थराइटिस इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है और आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं, तब आपके लिए आर्थराइट प्लस काफ़ी है। लेकिन मैक्सिमम केसेस जो मेरे पास आने शुरू हुए और जो हमने देखा प्रैक्टिस के अंदर, तो सबकी जो कंडीशन इतनी बिगड़ी हुई थी, बस एक चीज़ आके बस बचा लो, ऑपरेशन से बचा लो। फाइसे देखिए, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा शरीर के अंदर, रिपेयर के लिए कुछ और बिल्डिंग मटेरियल कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। इसीलिए हमने कॉलेजन पेप्टाइड्स की तरफ देखा, जो कि स्पेसिफिकली आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। इसीलिए हमने उसको एक सैशे फॉर्म के अंदर लेके आए हैं। एक सैशे है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, गर्म या कोसे दूध के अंदर मिला के पी जाइए, टेस्ट भी अच्छा है, पता भी नहीं चलेगा और रिपेयर भी ऑटोमेटिकली होती रहेगी। जी, तो इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, किस तरह के हर्ब्स या? वेल देखिए, जो सूजीज जो है वो प्राइमरली हर्ब्स का है और डीप पेनिट्रेटिंग फॉर्मूला है। उसके अंदर जिंजर, जिसको मदरक कहते हैं, हल्दी जिसको टर्मरिक कहते हैं, बोसवेली सराठा जिसको शलाकी गूगल कहते हैं, इस तरह की हर्ब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ भी देती हैं, साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी कम करती हैं, ओवरऑल रिपेयर के अंदर हेल्प करती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जो है हमारे साथ, आइए पूछते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेखा चतुर्वेदी। जी रेखा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ।
जी रेखा जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आप उनसे अपना सवाल कर सकती हैं। हाँ हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण डॉक्टर साहब। जय श्री कृष्ण। हाँ मैं मथुरा की हूँ, रहते हम लोग बॉम्बे में। रेखा जी क्या जानना चाहती हैं आप बताइए। मेरे यहाँ पैर में जन्म एक साल हो गया, जनवरी में MRI किया था, कराया था मैंने, एक्सरे भी कराया था, तो उसमें जॉइंट इफ्यूजन हुआ है मतलब, और ये फ्लूइड की कमी मतलब उन्होंने बताया डॉक्टर ने, और लिगामेंट कुछ फट गया है मतलब। अच्छा जी। सीधे पांव की घुटने में जी। हाँ तो मतलब उन्होंने बोला इंजरी होगी मतलब बाद में, अभी नहीं, वो भी 50 के बाद, मैं अभी 42 इयर्स से की हूँ। अच्छा, सिर्फ 42 इयर्स की। हाँ तो उन्होंने बोला अभी नहीं कर सकते, वो भी बाद मतलब। तो जब से मैंने मतलब, पहले तो बहुत ज्यादा परेशानी थी, 5 महीने से अभी आपकी दवाई ले रही हूँ जी, थोड़ा तो मतलब आराम है लेकिन पूरा आराम नहीं है ये। आपको बॉम्बे के किस इलाके से बोल रही हैं आप रेखा जी? अंधेरी लोखंडवाला से बोल रही हूँ। अंधेरी लोखंडवाला से बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, और ये बताइए मुझे कि कितने समय से आप आर्थराइट प्लस ले रही हैं? मैं 5 महीने से ले रही हूँ। 5 महीने से ले रहे हैं, काफी समय। हाँ। हो गया, तो आपको पेन में कितना रिलीफ मिला है? पेन में ऐसे तो रिलीफ है, जैसे मैं कहीं बाहर आती जाती हूँ, ज्यादा टाइम खड़ी होती हूँ, तुरंत पेन चालू हो जाता है। हाँ, तुरंत पेन चालू हो जाता है। आपने एक्सरसाइजेज जो बताई गई थी उनको कर रही हैं आप? नहीं, एक्सरसाइज तो नहीं कर रही मैं मतलब, एक्सरसाइज को थेरेपी वाला बीच में भी रखा था तो दर्द और बढ़ गया, तो वो भी हटा दिया मैंने जी। आप एक काम कीजिए, आपकी जो हड्डी है वो नुकीली हो गई है, वहाँ पर जब ज़्यादा समय तक खड़े रहते हैं तो उसको वो दर्द करता है, इसके लिए मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है कि जॉइंट के ऊपर से लोड हटे, और इतना ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं है। ऑल दो आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टेज के ऊपर एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें और चले फिरें ज़्यादा नहीं, तो साइकिलिंग आपके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज, और जैसे आप उसको करते जाएंगे लोड हटेगा, फिर वहाँ पर आर्थराइट प्लस को अंदर से रिपेयर करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि डॉक्टर ने कहा है कि आपकी उम्र बहुत कम है, ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो आप इसको कम से कम 1 साल तक लीजिए, सूजीज का स्प्रे ज़रूर लगाएं, और साथ साथ जेन आर्थ्रो जो हमने आपके लिए तैयार किया है उसको करीब 3 से 6 महीने तक ज़रूर लें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू रेखा जी। दर्शकों, अगर आपने प्रोग्राम बीच में से देखा है या अभी अभी अपने टीवी सेट्स ऑन किए हैं तो घबराइए मत, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। इसके अलावा अगर आप पुराने एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो नेट पर जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बॉम्बे लोखंडवाला से बोल रही थी और पिछले कुछ महीने से इन्होंने लेना शुरू किया है, देयर इज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट, और आपने बोला और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है, और कार्टिलेज में भी असर है, लिगामेंट में भी असर है, और साथ साथ वहाँ पे उनकी स्पाइकिंग भी हो रही होंगी, तो जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा इंजरी की वजह से उनके एक घुटने के अंदर अर्ली एज के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, और जनरली 2 से 10 साल लगते हैं एक इंजरी के बाद, इस तरह की इंजरी के बाद। डॉक्टर साहब, आपके कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने आर्थराइट प्लस लिया, सूजीज का इस्तेमाल किया और उन्हें बहुत फर्क है, और वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस, इनफैक्ट वो लोग बहुत ज्यादा आपके साथ इमोशनली भी जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल। पिछले साल जब तकलीफ मेरे को ज़्यादा हुई तो मेरा घुटना तकरीबन डबल हो गया राइट वाला साइज में, और दिखने में भी पता चलता था कि इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास हम गए तो उन्होंने MRI वगैरह किया, और उसके बाद उन्होंने पेन किलर दे दी और मुझे कहा कि ये पेन किलर लीजिए जब तक आपका दर्द बेरेबल नहीं होता, और इसका इलाज कोई नहीं है और ये ऐसे ही चलता रहेगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो नी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ऐसी ही हालत में मेरे ब्रदर जिनको डायबिटीज़ है और वो डॉक्टर गौरव शर्मा की दवाई ले रहे थे और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर गौरव शर्मा आर्थराइटिस की भी करते हैं दवाई तो ट्राई कर लो। तो उनके कहने पर मैंने लास्ट ईयर दवाई मंगाई, और पहली ही सेट जब मैंने दवाइयों का मंगाया तो 1.5 महीने में ही मुझे बहुत ज़्यादा आराम हुआ, और उसके बाद मैंने 4.5 महीने कुल दवा खाई, और अब मेरे को 85-90% मैं रिकवर हूँ। बहुत थैंकफुल हूँ गौरव शर्मा जी के कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ निकाली जिससे मुझे आराम हुआ और इतने और लाखों लोगों को आर्थराइटिस में आराम हुआ, और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इसके बारे में और इसको लोग, ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें।
जी बिल्कुल करुणा जी, जब जिसको हम कहते हैं कि शुरुआत हो गई है रिवर्सल की, उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन जर्नी और डगर जिसको कहते हैं थोड़ा लंबा है, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हमने रिकमेंडेशंस दिए हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, मसल को स्ट्रांग बनाएं, जॉइंट के ऊपर से लोड हटाएं, रिपेयर करने का मौका दें, ऊपर से सूजी का स्प्रे करें और लाइफ को इंजॉय करें। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए उनसे। जी बिल्कुल, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनीता शर्मा है जी। सुनीता जी कहाँ से बोल रही हैं और क्या उम्र है आपकी? मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मेरी उम्र 54 है। जी आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर हाँ। गौरव शर्मा से आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी नमस्कार आपका। सुनीता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मैंने आपसे दवाई मंगवाई थी जी। मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, जैसे कि मैंने मेरी बहू ने मंगवा के दिए मुझे जी। तो मैं बिल्कुल पैर नीचे भी नहीं लगा सकती थी, मैंने अच्छा लगते इतना दर्द था आपको? हाँ जी, तो बहुत ज्यादा तबीयत मेरी खराब थी जी। तो मेरा वो 50% आराम है, मैं आपकी दवाई खा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हैं आप। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपकी दवाई से मेरे को बहुत आराम है। सुनीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहूँगा कि धन्यवाद ईश्वर को करें हम आपकी ज़िंदगी को छू सकें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक दिन दौड़ने लायक हो जाएं, और वो मुझे लगता है दिन दूर नहीं है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कितना फ़र्क है आपके दर्द के अंदर? पहले तो आप पैर नहीं रख पाते थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बात करी होगी आपसे। हाँ जी, ऑपरेशन के लिए भी बोला था कि मैं ना गिर गई थी, तो एक्चुअली साइड में ही पूरी जैसे डेड हो जाती है, ऐसे मैं बिल्कुल नीचे पैर नहीं लगा पाती थी, मेरे जी को बहू लेके जाती थी, मैं अपने घर भी घूम सकती हूँ जी, और बाहर गली में भी थोड़ा सा चक्कर लगा लेती हूँ सड़क पे भी जी। आप सुनीता जी अभी थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान दें, थोड़ी साइकिलिंग करें, हमारे टीम से बात करें, डाइटिशियन से बात करें, वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, और उन एक्सरसाइजेस को ज़रूर करें, सूजीज का स्प्रे लगाएं, और इसको आर्थराइट प्लस को कम से कम, अगर ऑपरेशन की बात थी तो 12 से 18 महीने ज़रूर खाएं, क्योंकि हमें रिपेयर करने का समय चाहिए होता है। और ये जो जेन आर्थरो का एक सैशे मिलेगा आपको, एक सैशे कोसे दूध के साथ रोज़ लें, पाइनएप्पल फ्लेवर होगा, और उसको 3 से 6 महीने तक लें, सो दैट हम उसके साथ रिपेयर अंदर से और ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकें। तो ये ठीक है जी। थैंक यू सुनीता जी, आपने कॉल किया, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि कम से कम 12 से 18 महीने तक आप अपना एक कोर्स कीजिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। ठीक है जी। डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और बहुत खुश थी कि आपकी मेडिसिन, अभी इनको सिर्फ 2-3 महीने हुए हैं लेते हुए, आपका फूड सप्लीमेंट लेते हुए, एंड शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई चीज़, मैं अपने फूड सप्लीमेंट्स को अपने बच्चों की तरह मानता हूँ, उनको हमने बहुत मेहनत कर करके धीरे धीरे उनको तैयार किया है, और जब वो जाते हैं तो इस दुनिया को बदलने जब शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपके बच्चे सक्सेस को चूम रहे हों। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, लगातार कॉलर जुड़ते जा रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते, आपका शुभ नाम? मैं उषा पांडे वाराणसी से बोल रही हूँ। जी उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर गौरव जी यहीं बैठे हैं, आप उनसे बात कीजिए। हेलो। हेलो नमस्ते डॉक्टर। उषा जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत ठीक हूँ, आपकी दवा से बहुत ही फायदा है। बहुत ही फायदा आपको। पहले बताइए आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 55। 55 साल की उम्र है आपकी, और ये घुटने की परेशानी है आपको? जी, मुझे घुटने में परेशानी है, और डॉक्टर यहाँ पर आर्थोपेडिक को मैंने दिखाया वाराणसी में, तो वो लोग बोले कि अब आपकी ऑपरेशन की कंडीशन है। ऑपरेशन की कंडीशन आ गई है, तो काफी घिस गए हैं, काफी गंभीर विपरीत परिस्थितियां हैं आपके घुटने जी की। और ये आपकी घुटने की परेशानी कितने समय से हुई है आपको? जी 5-6 साल से ज्यादा ही है। 5-6 साल से ज्यादा है, और थोड़ी थोड़ी कितने साल से है? जी थोड़ी थोड़ी तो होते 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो इसके लिए आप क्या पेन किलर खाते थे पहले, क्या करते थे? नहीं, पेन किलर तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि डायबिटिक भी तो हम सुन रखे हैं कि किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, तो हम पेन किलर ना लेके उसको कभी सिकाई कर लिए, नहीं कैप पहन के चलती हूँ, टहलती हूँ तो आराम रहता है। इधर शुगर में हमें टहलना जरूरी है, और इसमें आर्थोपेडिक बोलते थे कि आप टहलेंगी ज्यादा तो और हड्डी घिसेगी, कार्टिलेज घिसेगी,
जी तो आपको इस स्टेज से ऑपरेशन की स्टेज से बचना है, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी दवा से मुझे बहुत ही फायदा। अब तो मैं बिना नी कैप के भी, अभी कल ही आपने कॉलोनी में एक शादी थी पूरा तीसरी मंजिल पे मैं बिना नी कैप के भी आराम। अरे वाह, तीसरी मंजिल तक चढ़ गए। जी, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान को भी, भगवान ही मुझे आपसे मिलवाए हैं जी। मैं तो एकदम से बिल्कुल बहुत सोच के बहुत काफी चिंतित रहती थी कि क्या होगा, और 3 महीने मुझे दवा खाते 2 महीने से ऊपर हो गए। 2 महीने से ऊपर हो गए आपको? जी। और दवा का बहुत ही अच्छा, मैं तो बहुत लोगों से एडवाइज कर रही हूँ कि जी। और अब अदर 1-2 दिन में आपके पास दूसरा वाला भी जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि 9 महीने हमें कम से कम कंटिन्यू खानी चाहिए। आपको मेरे हिसाब से ऑपरेशन की बात हुई तो 12 से 18 महीने यानी कि 1 से 1.5 साल जरूर खाना चाहिए। और साथ साथ जन आर्थरो भी शुरू कीजिए, एक वो सैशे फॉर्म में आएगा, रोज किसी भी समय एक गरम कोसे दूध के साथ एक सैशे पाइनएप्पल फ्लेवर वाला पी लिया कीजिए, और सूजीज का स्प्रे करें। और साइकिलिंग की तरफ आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? हम बार बार यही कहते हैं एक्सरसाइज वाली साइकिल है ना। हाँ, एक्सरसाइज वाली साइकिल पे ध्यान दीजिए जी, और उसको हम बिल्कुल ढीला करके चलाती हूं। हाँ, उसको थोड़ा थोड़ा टाइट करना शुरू कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा टाइट कीजिए उसको, कि हमारा जो जो घुटने के ऊपर वाली जो क्वाड्रिसेप मसल होती है उसको हम थोड़ा स्ट्रांग बनाना शुरू करें, उसको थोड़ा टाइट करें। सब पेशेंट्स को बताना चाहूंगा इस मसल को टाइट करना है, घुटने को आराम देना है, इस चीज पे ध्यान रखें हमेशा। और उषा जी, एक चीज और बताइए मुझे, आपको क्या लगता है कि कभी आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? अब नहीं डॉक्टर साहब, आपकी दवा से तो मुझे बहुत ही फ्यूचर बहुत ही लग रहा है अच्छा, कि अब हमें फ्यूचर में कभी ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। जी, मैं यही सुनना चाहता था कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया 2 महीने के अंदर कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। इसी तरीके से मेहनत से अपना काम करते चलिए, और इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकें। जी शुक्रिया उषा जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके जवाब मिल गए होंगे, और बहुत खुशी भी है कि अब आप 3 मंजिल चढ़ सकती हैं बिना तकलीफ के। थैंक यू डॉक्टर साहब। उषा जी का भी मानना है कि भगवान ने आपसे उनको मिलाया है और वो इतना बेहतर महसूस कर रही हैं। जी देखिए, हर एक को ईश्वर ही मिलाता है, सब अपने कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, हम भी अपने छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं। और अगर उषा जी जैसे इंसान की ज़िंदगी को हम छू पा रहे हैं, उसको बदल पा रहे हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो विशेज़ जो हैं, जो वेल विशर्स हैं, जो इनकी प्रार्थनाएँ हैं, जो इनकी बल्कि ब्लेसिंग्स कहूँगा, मुझे बहुत फ़ायदा करती हैं, मुझे हिम्मत देती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, और जब इन्हें राहत मिलती है तो दिल से दे मस्ट बी सो थैंकफुल। आप उस इंसान को कभी देखिए जो कदम नहीं रख सकता जी, और जैसे उसका हर कदम रखने से उसके उसके उसका दिल दुखता है, वो कभी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप आए। आज के एपिसोड का वक्त यहीं ख़त्म होता है, आपसे अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच करुणा जी।